श्री शिवाय नमस्तुभ्यो। दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। सनातन धर्म में हर तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होती ही है। जैसे एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, उसी तरह त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी को भगवान शिव का प्रदोष व्रत किया जाता है। जब प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तब इसे सोम प्रदोष कहा जाता है और मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस बार 2 नवंबर मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। पौराणिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। शास्त्रों में ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं जिनसे यदि आपके जीवन में धन संबंधी कुछ समस्याएं हैं या और कोई ऐसी समस्याएं चल रही हैं तो वह समस्याएं सब समाप्त हो जाएं। साथ ही आपके जीवन में मंगल कार्य अनुभव होने लगे। आप इन उपायों को एक बार अवश्य आजमा के देखें, आपकी किस्मत चमक जाएगी और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा। आइए हम इन उपायों के बारे में जानते हैं। जो प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ता है उस दिन शिवलिंग पर एक विशेष विधि के साथ यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही आप पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए आप दूध में गुड़ और शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से धन वृद्धि के संयोग बढ़ते हैं और परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है और आनंद में वृद्धि होती है। इस दिन खास शिव परिवार की यदि पूजा की जाए तो परिवार के सदस्यों की प्रगति होना निश्चित हो जाता है और हर किसी में स्नेह और प्रेम बढ़ जाता है। साथ ही आपको मंगलवारी प्रदोष के दिन, क्योंकि मंगलवार की तिथि वैसे भी मंगलवार का दिन वैसे भी हनुमान जी को समर्पित होता है, इसलिए यदि आप इस दिन मंगलवार भी हो प्रदोष भी पड़ रहा है तो आप आटे और गुड़ के लड्डू बनाकर, इसे रोट लड्डू कहा जाता है, हनुमान जी को भेंट करें। इसका विशेष महत्व होता है, इससे हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलता है, प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन आप यदि किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराते हैं तो आपके जो भी अशुभ ग्रह होते हैं उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। आप इच्छे ये 2 छोटे छोटे से उपाय करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कल जो कार्तिक मास में भूम प्रदोष पड़ रहा है, आप उसका पूरा पूरा फायदा ये छोटे छोटे उपाय करके पा सकते हैं। आप अवश्य ये उपाय करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर शिव जी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।